हो जाती हूँ। सुबह से खेल में लगी हुई है। अरे जरा देख के संभाल के। अब बैठ भी जाओ माँ, मैं परोसती हूँ। चलो, अरे तुम रहने दो ना। बैठो ना माँ। दीपा, आइए जीजा जी, खाना खाइए। ठीक है ठीक है, मैं बाद में खा लूंगा। मणि कहाँ है? वो पार्टी के ऑफिस में गए हैं जीजा जी। ओ
अच्छा मणि के आने पर उससे कहना इस तलवार को यहाँ से हटा। ठीक है जीजा जी। वेरी गुड। ड्राइवर चलो। क्या हुआ? केस डिसमिस हो गया सर। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही खुशी की बात है। क्या बात है? ये किसी आवाज़? एक मिनट रुको, मेरी बेटी है। बॉल कहाँ गई? भैया रुकना, जल्दी आओ। साहब सामने वाले का केस डिसमिस हो गया है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मंत्री बन जाएगा। अब तो फिर अपना विधानसभा क्षेत्र भी नहीं और मंत्री पद भी नहीं, सब कुछ उस कल के आए हुए नेता को। हा? आप बोलो तो निपटा देते हैं उसको। ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? भैया गाड़ी में बैठिए। भैया अभी पैदल चलने की आदत डाल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। आ गया क्या? उसे जरा ऑफिस में भेजना। डैडी। हाँ बेटी, कहाँ जा रही हो? 500 रुपीज। 500 रुपए चाहिए? अभी देता हूँ, ये लो जाओ। थैंक यू डैडी। कोई बात नहीं बेटा, बाय बाय। ए, 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 क्या हुआ? इस तरह डर क्यों रही हो? क्या हुआ? आगे क्या करें सर? ये आप सोचो ना। सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। जीजा को इस इलाके का शेर कह के बुलाते हैं, ये मत भूलना। जो लोग सामने से मुकाबला नहीं कर सकते पीछे से भौंक रहे हैं। जीजा ओपोजिशन पार्टी वाला ही कोई लगता है? अरे अपने लोगों का ही ठिकाना नहीं है, किस पर इल्जाम लगाएं? ए एसपी, इस केस की जरा अच्छी तरह से इंक्वायरी करवाओ। जी सर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। एक्चुअली
शादी के बाद मैं तुम्हें देख करके डरूंगा ही ना, इसलिए पहले तुम्हें डरा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ डर गई मैं, लेकिन अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। हे, लव में छूना नहीं है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। लव बिना छुए भी होता है और मैं उसी टाइप की हूँ। ठीक है जाओ जाओ, अगर तुम ऐसी बात कर रही हो ना तो शादी के बाद भी मैं तुम्हें सिर्फ बिठा कर देखता ही रहूँगा, समझ गई ना। ओ ऐसा है क्या, तो मैं जब पूछूंगी उसका जवाब दो। क्या जवाब दूँ? ठीक है तो अब क्या करने वाले हो? वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ओ वो सब नहीं, हमारे प्यार के बारे में पापा से कब बात करोगे? ओहो अच्छा उस बारे में। अरे ये क्यों पूछ रही हो, ये तो बिल्कुल अपोजिट पार्टी और रूलिंग पार्टी के जैसा झगड़ा है। तुम्हारे पापा और मेरे पापा एक ही पार्टी में होते हुए भी ऐसे झगड़ते जैसे भेड़ बकरी झगड़ते हो। अगर मैं उनसे अपनी शादी की बात करूँ ना तो हो सकता है उनकी बीपी हाई हो जाए। जब तक तेरा बाप नहीं झुकेगा ना तब तक मेरा बाप इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो फिर तुमने मुझसे क्यों प्यार किया? क्योंकि तुमने मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया। वो क्या है ना कि इतने हैंडसम लड़के को देख के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ए जी जरा कौन है देखिए ना, जी आई है ना। क्या बात है? दादी माँ हाँ गुजर गई। तुम मणि को साथ लेकर जाओ, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। जी ठीक है। उनकी उम्र हो गई थी, एक दिन तो सबको यहां से जाना है। अरे अरे ये क्या हो गया? थोड़ा शांत रहिए, बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ बोलिए सर। मनी हाँ सर को फोन देना, वो अंदर ही है। एक मिनट रुकिए, फोन देता हूँ। जीजा जी एसपी साहब लाइन पे है। सर हेलो। सर हाँ बोलो। सर मैं बोलो, मैं एसपी बोल रहा हूँ सर। बोलो सुन रहा हूँ। माँ जी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ उम्र हो गई थी, चली गई। सर सब उंगलियाँ सही है ना? उंगलियाँ तो सब सही है लेकिन जान नहीं है। सर मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी रखो। Thank you.
आंटी मैं लेकर जाती हूँ। अरे रहने दो, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं आंटी, मैं ले जाती हूँ। ठीक है, लेकर जाओ। माँ। हे आजा बेटी। ए आज किसको रुलाने वाली है? क्या मम्मी आप भी? ए चाय बहुत अच्छी है। थैंक्स। क्या हुआ? नथिंग आंटी। ओहो। घर में सिर्फ यही रूम बाकी है। कॉफी देने के लिए किसे ढूंढ रही हो? मुझे लगता है किसी राजकुमार को ढूंढ रही हो तुम। ऐसे गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नाम कौशिक है, अमेरिका से पढ़ के आया है, पिताजी के बहुत करीबी है। ये इसी रूम में ठहराया है उसे, जाके देख लो। दीदी। हाँ? क्या हुआ उधर? उस दिन दादी के मरने के दिन ब्लैक शर्ट पहन के एक लड़का आया था, उसका नाम कौशिक है, आप उसे जानती है क्या? उस दिन देखा था उसे, उसके बाद देखा ही नहीं। नीचे बहन बैठी है, उससे जाके पूछो, उससे पता होगा। मैं थोड़ी बिजी हूँ, निकलती हूँ। ठीक है। नित्या, नित्या, नित्या। जिस दिन दादी का देहांत हुआ था, उस दिन एक लड़का आया था ब्लैक शर्ट पहन के, उसका नाम है कौशिक। क्या तुम उसे जानती हो? दीदी, तुम्हें मालूम है क्या? मुझे भी नहीं मालूम। ओ माँ। क्या है? उस लड़के को तुम जानती हो क्या? मालूम नहीं। अरे कार्तिक, सुनना, उस दिन दादी के मौत के दिन एक लड़का ब्लैक शर्ट पहन के आया था, तू जानता है उसे? वो भाई क्या? हाँ, जानता है तू? तेरी तो घर में सभी लोगों को पूछ लिया और कुछ लोगों को फोन करके भी पूछ लिया, कौशिक के बारे में किसी को भी पता नहीं। अब बस पापा को ही पूछना बाकी है, लेकिन डर लग रहा है। चाहो तो खुद पूछ लो, वो कोई अपने रिश्ते में ही होगा। चिंता मत करो, हमारे घर में बहुत बूढ़े लोग हैं, जिस दिन किसी की विकेट गिर गई ना, वो तो आ ही जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ एक काम कर सकते हैं, उसे यहाँ बुलाना है तो हमें किसी को मारना पड़ेगा। सर आज पॉलिटिकल मीटिंग है। सबको इन्फॉर्म कर दो। और आपने मुझसे सीएम से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ सर, पर अब तक मिला नहीं। ठीक है, बैठो बैठो। सर एक और बात। अभी रुको मणि, माँ की मौत नेचुरल थी ना? हाँ जीजा जी, लेकिन आप, मेरा मतलब कहीं जहर वहर तो? ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी, मुझे तो नहीं लगता, आप बेवजह शक कर रहे हैं। क्या है कि हमारे दुश्मन बहुत है ना। टेंशन मत लीजिए,
इलेक्शन होने दीजिए, आप मंत्री बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एसपी को जरा फोन लगाना। एसपी हियर। हाँ एसपी। हाँ सर। मुझे तो तुम जो बता रहे थे वही सही लग रहा है। ओके सर। अच्छा सुनो, उस उंगली का कुछ पता लगा? मैंने आपसे कहा था सर। हाँ कहा तो था, लेकिन तुम्हें अपना काम करना चाहिए था ना। ठीक है सर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जरा इस मैटर पर ध्यान दो। ओके सर। हाय सर, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? आई एम फाइन। सफर कैसा रहा सर? कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गया। दुबई में इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा सर? एक्चुअली अंडरकवर में मुझे शेख के जैसा ही बन के रहना पड़ा। हाँ। उस गेटअप को देखकर सब मुझे असली शेख समझने लगे। हाँ। ये लो। हाँ। इसमें इंटरनेशनल डायमंड स्मगलर्स की सारी डिटेल्स हैं और इस सीडी में उनका वीडियो एविडेंस भी है। इसे फॉरेन कमिश्नर को दो। ओके सर। और इंटरपोल की मदद से उन लोगों को अरेस्ट करो, ठीक है? यस सर। आईजी साहब का फोन इस वक्त क्यों? हेलो। हेलो नागराज। यस सर। तुम पहुंच गए क्या? जस्ट लैंड किया सर। एक दूसरा केस तुम्हारे लिए तैयार है। ओह विद प्लेजर सर, क्या करना है बताइए। वो केस जरा अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल? अनऑफिशियल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो होगा मैं देख लूंगा। ओके सर। तुम एसपी से मिल करके अपना चार्ज ले लो। ओके सर, श्योर सर, मंडे को 4 बजे एसपी से मिलके चार्ज ले लूंगा सर। ओके नागराज। थैंक यू सर। सर। बैठिए मिस्टर नागराज, स्पेशल ट्रेनिंग कहां से हुई है? दिल्ली से। देखिए इस केस में इस हरकत के पीछे आखिर किसका हाथ है तुम्हें पता लगाना है। ओके सर। चित्रवेल इज वेरी क्लोज टू मी, उनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन में हूँ। हो सकता है कि आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी। ओके सर, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकता हूँ, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए। ओके मिस्टर नागराज। थैंक यू सर। तुम्हारे पास अनअकाउंटेबल सोर्स है ना? है ना सर। गुड। अनीता जी हैं क्या? अंदर ही हैं। जाइए जाइए। ठीक है। मिस अनीता। यस। आई एम नागराज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। नाइस टू मीट यू, टेक योर सीट। थैंक यू। एक्चुअली ये मैटर एक बड़े नेता से जुड़ा है, सो एवरीथिंग इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। नो प्रॉब्लम सर, मैं देख लूंगी। ये एक इंसान की उंगली है। उस नेता के घर से हमें मिली और अब इसकी डिटेल रिपोर्ट मुझे चाहिए। ओके, मैं देख लेती हूँ। ओह यस, कम इन। मुमताज, दिस इज नागराज। हेलो सर। ही इज फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ओके मुमताज, यू कैरी ऑन, आई विल जॉइन यू। ओके मैडम। लेट मी चेक एंड टेल यू सर, इस प्रोसेस के लिए कम से कम 6 घंटे लगेंगे। विद इन 6 आवर्स फुल डिटेल रिपोर्ट आई विल गिव यू सर। ओके अनीता। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
तू लड़का पैदा हुआ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया। कौन है ये? मेरे जीजा जी, आज तक किसी लड़के वाले के यहाँ कभी नहीं गए, आज पहली बार तुम्हारे पास आए हैं। ऐसा क्या? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ए, इसे पूछो इसे क्या चाहिए। अब मैं सिर्फ पार्टी में नहीं बैठना चाहता, मंत्री का पद चाहिए मुझे, मंत्री का। ए, मैं लड़के के दहेज के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम मंत्री संतरी गिना रहे हो, क्या बक रहे हो तुम? देख चित्रवेल, मैं दादा परदादा के जमाने से इसी पार्टी में हूँ और तू अभी अभी इस पार्टी में आया, बिल्कुल नया नवेला है। सब कुछ तूने ही ले लिया, मेरे हिस्से के पैसे भी तूने ही कमाए, फिर भी तू उतना नहीं कमा पाएगा जितना मेरे पास है। अब मुझे पैसे का लालच नहीं, वो तुम रखो, अगर दे सकते हो तो मुझे सीट दो, सत्ता दो मुझे। अगर तुझे सीट चाहिए तो सीधा सीधा इनसे भीख क्यों नहीं मांगता? क्या मेरे पापा कैसे बोलेगा? रुक जा, छोड़ो, मेरा बेटा संभाल लेगा। इसके बाद तूने मेरे पापा को कुछ कहा तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा, देख लूंगा तुझे। छोड़िए, सर, 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 डरने की कोई बात नहीं है। It's a kind of rubber. ये किसी इंसान की उंगली ही नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जेनेटिक जेल से बनी हुई है। एक बात और, थोड़ा रियल थ्रिल लगना चाहिए इसलिए इसमें किसी जानवर का खून भी इस्तेमाल किया गया है। काफी परफेक्शन से किया गया है ये। नेताजी को डराने के लिए ही किसी ने ऐसा किया था। मुझे लगता है ये काम कंपाउंड के अंदर ही रहने वाले किसी शख्स ने किया है। उनके खिलाफ दो पार्टीज, उनके गैदरिंग में ही ये सब हुआ है। छोटे में पॉलिटिक्स, बड़े में दुश्मनी। यस सर। मिस्टर नागराज, इसके अलावा और कोई कारण हो सकता नो है? नो सर। और इनकी माँ की मौत? नेचुरल डेथ सर। ओके, मैं फोन करके बता देता हूँ। ओके सर। हेलो एसपी, आखिर तुम कर क्या रहे हो? यहाँ मेरे साले का मर्डर हो गया, तुम भरोसे के लायक अब नहीं रहे। छी, फोन रखो। क्या हुआ सर? तुम्हारी ट्रेनिंग वेस्ट है नागराज। चित्रवेल के साले मणि को किसी ने जान से मार दिया है। होनी तुमसे भी ज्यादा चालाक है। सॉरी सर। के ऊपर जो गुस्सा था वो इसके ऊपर उतार दिया। ये बहुत ही गलत हो गया। इतना कहने के बावजूद तुमने लापरवाही से ही काम लिया। सर, क्या है? केस के बारे में कोई सुराग मिला क्या? पोस्टमार्टम अभी खत्म नहीं हुआ है सर। कैसे करोगे मैं नहीं जानता, 48 घंटे के अंदर पूरी डिटेल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। यस सर। सर,
सर क्या ढूंढ रहे हो तुम? इतना डर क्यों रहे हो? चाहिए क्या तुम्हें? सर एक लड़की है जो कौशिक नाम के लड़के को ढूंढ रही है। मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ, उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है सर। कौशिक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? थोड़े दिन जाने दो, सीधा पापा से पूछ लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मेरी बात तो सुनो। सर अनीता नहीं है क्या? वो आज नहीं आई सर। डोंट वरी, आपका रिपोर्ट सब तैयार करके गई है, ये लीजिए। ओके थैंक यू। क्या है ये, कौन सा गाना है? अरे पागल, ये बहुत फेमस गाना। अब क्या करेंगे? आज उसे हम पकड़ के रहेंगे। सारा प्लान रेडी है, आप जैसा बोल रहे वैसा कर देता हूँ। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, वो मिनिस्टर को बहुत परेशान कर रहा है। हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, आज उसे हम पकड़ के ही रहेंगे। काम करने के बाद आपको बताता हूँ। मिस्टर नागराज, मणि के केस में क्या खबर मिली है? बंदूक से शूट किया गया है और उसका गला भी दबाया गया है। क्या कह रहे हो एसपी? हादसा घर में हुआ है, कोई आवाज भी नहीं आई और एक सबूत भी नहीं मिला, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? सर वो ऐसा है कि। क्या ऐसा है? तुम लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा, चले आते हो मुझे समझाने के लिए? वैसा नहीं है सर। क्या नहीं है? गवर्नमेंट मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो कब का ये केस मैं सीबीआई को सौंप चुका होता। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तुम दोनों टीवी के सामने बैठ कर बस इंटरव्यू देते रहना। मेरी बात तो सुनिए सर। पुलिस वाले कहते हैं। क्या नागराज, केस किसी और को दूं क्या? नो सर, मैं इस केस को हफ्ते भर में सॉल्व कर दूंगा। एक हफ्ते के अंदर अब तुम कैसे करोगे? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए सर। मारो। अरे क्या कर रहे हो? मेजर साहब घर में है क्या? हाँ पापा अंदर बैठे हैं। ओके कम ऑन निशा, खेलो। अरे यार क्या कर रही हो? कम ऑन निशा। हाउ आर यू नागराज? आई एम फाइन सर, प्लीज सिट। थैंक यू। हाँ बोलो क्या बात है नागराज।
ये स्पाइरल बुलेट है सर, 5.9 रिवॉल्वर की बुलेट। गवर्नमेंट इसे काफी पहले बैन कर चुकी है। गुड, बड़ी पुरानी बातों को याद रखते हो तुम। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। तुम्हें कोई क्लू चाहिए क्या? बिल्कुल सर। तुम्हारी बातों में ही इसका क्लू है। अच्छा। गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, लेकिन जो इसे अभी भी चोरी से बना रहे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें बड़ी कड़ाई से नजर रखनी होगी। उसके बाद तो बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगी। जहां तक मेरी जानकारी है, नागर कोइल पार्क के पास एक लेथ मशीन वाला है, वहां आसपास नजर रखो। ठीक है सर। दिस इज माय डॉटर निशा। हाय। हेलो निशा, दिस इज नागराज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। यस। यहाँ जो भी क्राइम होता है, जरूरी नहीं है कि उसे करने वाले बाहर से आए, यहाँ के भी हो सकते हैं। हाँ। नागराज, आई एम वेरी श्योर यू विल गेट द रिजल्ट। श्योर सर, थैंक यू, आई विल मीट यू सून। ओके ओके, बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कौन है तू? क्या चाहिए तेरे को? क्या ये? किसने बनाई ये गोली? भाई, पुलिस। मुझे नहीं पता। तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं है मेरा। सच बोल रहा हूँ साहब, आप चाहे तो इससे पूछ ले। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं साहब, हमें कुछ याद नहीं है। सब याद आ जाएगा अगर पुलिस स्टेशन बुला लिया तो। कुछ लोग यहाँ आते हैं साहब, हमसे ये बनाने के लिए कहते हैं, हम अपना काम करते हैं और पैसे लेते हैं साहब। सुना है तुम लोग बंदूक की सप्लाई भी करते हो? नहीं सर, बंदूक बंदूक की सप्लाई हम नहीं करते साहब। अच्छा, तो फिर कहाँ मिलेगी? केरल। केरल में कहाँ पे? केरल में कोच्चि है, उसके बाजू में मत्तांजरी। मत्तांजरी में किसके यहाँ? माता। मॉर्निंग माता। क्यों, ठीक तो हो ना? मैं कोई माता नहीं और बनना भी नहीं चाहती, मुझे यहाँ अवनी नाम से बुलाते हैं। ओके ओके, मुझे पता है। अरे पर मुझे नहीं पता ना कि तू कौन है, यहाँ पे क्या काम है, क्या करने आया है? I'm नागराज। ओ नागराज, फ्रॉम तमिलनाडु। मुझको एक बंदूक मिल सकती है क्या? तो सीधे सीधे बोलना चाहिए ना, मुझे टेढ़ी मेढ़ी बात पसंद नहीं। सीधी बात नहीं कर सकते क्या? तो सीधी बात करता हूँ। सीधे सीधे बोलूं तो मुझे एक
बंदूक चाहिए, 5.9 पिस्टल मिलेगी ना? इतनी सी बात? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, उसका कोटेशन है मेरे पास। बंदूक तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन वो तो तुम्हें कहीं भी मिल जाता ना, तो एक बंदूक के लिए इतनी दूर तुम मेरे पास क्यों आए हो? वो क्या है ना माता, इसके पहले तुमने जो बंदूक बनाई थी मुझे वैसी ही छोटी सी बंदूक चाहिए, 5.9 पिस्टल। पहले जो तुमने दो पिस्टल बनाई थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मुझे वैसी बंदूक चाहिए, एकदम कड़क। सीधी बात बोलूं तो मुझे एकदम वैसी ही पिस्टल मिलेगी ना? तो फिर तुम पुलिस वाले हो? फिर तो मैं समझ गई। अरे जोसेफ इधर आ, अरे जरा आकर देख, यहाँ पर पुलिस वाला आया है। आजा आजा जल्दी आजा, बड़ा साहब आया है, बंदूक मांग रहा है। क्या बात है, बहुत जल्दी समझ गई, एक्सीलेंट। मेरे को सब मालूम है, पर तुझे मेरे बारे में मालूम नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। सब लोग मुझे शेरनी बुलाते हैं। मालूम है तुम शेरनी हो, इसीलिए तो तुमसे मिलने यहाँ आना पड़ा। मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस छोटा सा काम है। इसे जानती हो? बोलो, ध्यान से देख लो। ये भी कोई सबूत है? इससे भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मैं आपको देती हूँ। हंसते हुए गले लगते हुए ऐसी फोटो चाहिए क्या? आइए सर, आइए आइए ना। जरा अपनी आंखों से देखिए, ये सब देखने के बाद आपका शक दूर हो जाएगा। क्या बात है सर, आप मटकते हुए मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। इस बार मैं तुझसे मिलने यहाँ आया, अब तू मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आएगी। मेरी बात याद रखना, तब देखूंगा कितना दम है इस मातांजलि की शेरनी में। गुड मॉर्निंग पापा, कॉफी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। क्या पापा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हो? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मस्का लगा रही हो, आ बेटा जाओ। बाय निशा। बाय। बात क्या है वो तो बोलो। कुछ नहीं पापा, माँ का प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता, बचपन से आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। यस आई नो डियर, बट मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मेरी बात मानोगे ना पापा? यस टेल मी डियर, क्या बात है? मैं किसी को बहुत चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मुझे लगता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ के जैसा ख्याल रखेगा, मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ। Yes, I know. नागराज, right? Don't worry, baby. मुझे भी नागराज पसंद है। I also like him. He is very nice guy. इसे आउट करना, आउट करना। अरे, ए नित्या, ए बॉल पकड़ना। तो मुझे देखने क्यों नहीं आई? बॉल दो। ए बॉल डाल। ला मैं कर दूंगा। ए नित्या, अरे बॉल पकड़ कर रहा है। नित्या, ये ले ए बॉल डाल। प्रकाश प्लीज मुझे ऐसे बाहर मत मिलो। क्यों, क्या हो गया? पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तो उसके लिए मैं क्या करूं? अब लव में प्रॉब्लम तो होती है ना, उसे सॉल्व भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो लव करने की जरूरत ही क्या थी? शांत हो जाओ प्रकाश, पापा का मन जल्दी बदल जाएगा। देखो मुझे तुम्हारे पापा के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और तुम्हारे मामा भी ऊपर चले गए, अभी तुम्हारे पिताजी जिंदा है, अगर वो भी ऊपर चले गए तो क्या होगा? अपने प्यार को कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे है, चल गाड़ी में बैठ। क्यों बैठो? आप मुझे गाड़ी में बैठ जा, समझा? चल मेरे साथ, बताता हूँ। चल जाएगा, मुझसे बहस मत कर, जो कह रहा हूँ वो कर। ले जाओ इसे। अरे क्यों? सब बताना आखिर मैं मनी का खून क्यों करूंगा? अरे मैं तो उसके घर की लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। वो गुस्सा थे, इसका मतलब मैं उन्हें मार थोड़े दूंगा। नित्या, आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं,
बेटी के प्यार को पिता कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी कहते हैं पसंद है, कभी कहते हैं ना पसंद है, ये सब तो लव मैरिज में आम बात है। प्रकाश ने गुस्से में कहा था मामा का खून कर दूंगा, लेकिन ये कहना कि इसी ने मामा का खून किया है गलत बात होगी। मेरे उंगलियों के निशान पे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आखिर सच क्या है? पुलिस वालों को तो हम सब जानते हैं, वो किसी को फंसाने का मौका ढूंढते रहते हैं। इस केस में भी यही हुआ और उन्हें फंसने के लिए प्रकाश मिल गया। पूछताछ के समय पुलिस डिपार्टमेंट के सामने अभद्रता से पेश आने के लिए ये अदालत तुम्हें वार्न करती है। सॉरी सर। आई नो, मैं नित्या से मिलने के लिए दीवार कूद कर अंदर गया था, बट आई नेवर किल्ड एनीवन। प्रकाश खून कर ही नहीं सकता, हम 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। प्रकाश ने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी है सर। मेरे पिताजी शादी से खुश नहीं थे, उन्होंने मना किया था। मेरे घर वालों को कुछ पता ना चले इसलिए प्रकाश दीवार चढ़कर आता था, लेकिन उस रात को मैंने अपने घर का दरवाजा खुला रखा था सर। प्रकाश रबर फैक्ट्री चलाता है, वो जेलेटिक जेल से बनाई हुई उंगली मुझे डराने के लिए लाया था और गलती से वो घर में ही गिर गई। और ये उसकी फैक्ट्री का है तो हाथ के निशान होंगे ही, पर ये कहकर उसे अरेस्ट करना गलत है योर ऑनर। मौजूदा केस में पुलिस की चार्जशीट देखकर और दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस बात को मानती है कि प्रकाश का इस हत्या से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हत्याकांड एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अदालत मानती है कि प्रकाश निर्दोष है और उसे इस खून के इल्जाम से बेगुनाह मानते हुए बरी करने का हुक्म सुनाती है, और इसके साथ ही हत्याकांड से संबंधित असली गुनहगार को साक्ष्य के साथ अदालत में पेश करने के लिए पुलिस विभाग को सख्त हिदायत देती है। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे जरा मुझे मलहम ला कर देना। नो मा, आई एम ऑलरेडी लेट। अरे जरा मेरी बात सुन। नो नो नो, अरे संभाल लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मतलब प्रकाश को फंसाया जा रहा है? यस सर, मुझे भी पता है कि प्रकाश खूनी नहीं है। फिर क्यों अरेस्ट किया है उसे? ये एक चाल है खूनी को बाहर निकालने के लिए। तो बाहर आया क्या? अभी नहीं आया, लेकिन वो आएगा जरूर। तुम कैसे करोगे मुझे पता नहीं। खूनी को जल्दी अरेस्ट करो विद सॉलिड एविडेंस। ओके सर, बाय सर। क्यों बे, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई है? तूने मेरे बेटे को अरेस्ट किया और मेरे सामने ऐसे खड़ा है? ऐ पुलिस, गलती कर रहा है तू, बार बार गलती कर रहा है तू, बाद में भुगतने के लिए तैयार रह तू, समझा? सही कह रहा है, मुझसे गलती हो गई। तेरे लड़के को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, तुझे करना चाहिए था। है? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट तू ही है, अपनी बेल तैयार करवा ले, समझा? जा बे, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हाय, बोलो ना। आना जरूरी है क्या? ए चुप रहना। नहीं नहीं, तुम बोलो। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। आंटी, भूख लगी है। रुक जा बेटी, आ रही हूँ। ठीक है। हाय नित्या। ए हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। क्या कार्तिक, कैसा है तू? अरे जाओ, मुझसे बात मत करो। क्यों, क्या हुआ? मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया ना? ओ, ये प्रॉब्लम है। हे, थैंक्स, दिस इज टू मच। यू आर चीटिंग, ओके? गिव मी आल्सो। तुमको भी?
Wow, this is amazing. Thank you. कार्तिक, happy ना? तुम भी happy ना? कैसी लगी चॉकलेट? बहुत अच्छा है भैया. ए, भैया नहीं, अंकल बोलो उसको. बैठो ना. नहीं. ए, बैठो. हाय कौशिक. हाय आंटी. तुम यहाँ कब आए? बस अभी आया हूँ. मम्मी डैडी अच्छे हैं ना? हाँ, सब अच्छे हैं. ठीक है, आ जाओ खाना खा लो. नहीं, रहने दीजिए. ये क्या कौशिक, ये तुम्हारा अपना ही घर है ना, चलो खाना खाओ हमारे साथ. नित्या, तुम जरा वहाँ पर बैठो. सब कोई है यहाँ पर. क्यों रे, गवर्नमेंट के लिए दो कौड़ी की नौकरी करने वाले की अगर इतनी ज्यादा चर्बी होगी तो सोच जो गवर्नमेंट चलाता है उसके अंदर कितनी चर्बी होगी. हैं? सुन वकील, अच्छे से दिमाग चला ले. अगर इसमें कोई गलती हुई तो सर से लेके पैर तक बोटी बोटी काट के अपने कुत्ते मोती को खिला दूंगा. आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे बेल जरूर दिला के रहूंगा. बेल नहीं, जेल. हाँ? आओ आओ नागराज, आओ. तू यहाँ आएगा मुझे पहले से पता था. ए वकील, जरा लीगल पेपर इसे दिखा दे. जी. कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? ये आज का इवनिंग पेपर है, मैं तो पढ़ चुका हूँ, अब तुम लोग भी पढ़ लो. प्रकाश, मैं तुमसे ही मिलने यहाँ आया हूँ, अब तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है. योर रिज्यूमे इज वेरी क्लियर. सॉरी फॉर द ट्रबल. तुम्हारी शादी होने वाली है, मेरी तरफ से तुम्हें बधाई. थैंक यू सर. ओके सर, आई विल मीट यू. सर, गुड मॉर्निंग. सर, गुड मॉर्निंग. सर, प्रकाश को क्यों सॉरी बोला तुमने? अगर कोई इंसान गलत है तो उससे सवाल पूछना, अगर सही है तो उसे सॉरी बोलना, यही मेरा तरीका है. ये तुम्हारी आदत है नागराज, पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी आदत नहीं. सॉरी सर, मैं केस फिर से स्टार्ट करता हूँ. फिर से तुम पुलिस ट्रेनिंग में जा रहे हो क्या? यस सर. नो सर, सॉरी सर. Do it fast, yaar. Come on, go to the college. Okay, Papa. Weather is getting hot. We have to reach home fast. You have to go to college also. Yeah, we have planned to see movie with my friends. Yeah. हाय नागराज, हाउ आर यू? फाइन सर. केस का क्या हुआ? सॉल्व हो गया वो केस? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. व्हाट हैपेंड, टेल मी. चाल तो चली लेकिन कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ. और वो प्रकाश? बेल मिल गई. लेकिन उसका क्राइम? वेरी क्लियर. इस बात से तुम श्योर हो? वो किसी भी हालत में उस घर का दामाद बनना चाहता है, इसलिए वो मर्डर करे ऐसा सवाल ही नहीं उठता है सर. 0.9 गन के बारे में कुछ पूछताछ किया तुमने? केरल में गैर कानूनी रूप से एक जगह मिलती है सर, दोनों पार्टीज ने उससे गन ली. ओके, इसके अलावा कोई और सुराग मिला क्या तुम्हें? पूछताछ चल रही है. थैंक यू सर, वी विल मीट अगेन. ओके, टेक केयर. ओके, बाय. ए, कम फास्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ए, एक कहाँ चला गया बे? भैया, पिछले हफ्ते एक को टपकाया था ना. ओ, ऐसा क्या? पहले जैसा नहीं है अब. एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है अब. देख, चाहे जितना भी बड़ा शिकारी हो, निशाना सीखने के लिए सेब और पपीते पर ही सीखना पड़ता है. देख लड़के, ऐसी अतरंगी बंदूक सिर्फ अपने पास नहीं है,
चित्रवेल के पास भी है, ये बात पुलिस वाले को बता दे। ए, सिर्फ हम दोनों के पास ही नहीं है, बहुत से लोग सेफ्टी के लिए इसे अपने पास रखते हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो ही चलाते हैं। मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाता, गन तो अभी भी है मेरे पास। वैसे एक बात बताऊं, इस केस में तुम कुछ कर पाओगे ऐसा लगता नहीं है। ए, उसे जल्दी बुला। भाई वो कहीं मिल नहीं रहा है। केस खत्म हो गया है, चित्रवेल के बंदूक से ही उसके साले को मारा गया है। उसके बचने की गुंजाइश ना हो इसलिए उसे पहले से ही अक्रोनिक पॉइजन दे दिया गया जो जंगल में आसानी से मिल जाता है। तुझसे बात करते ही मैं समझ गया था, इसलिए तुझे यहाँ लाया। तू उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, तुझे कोर्ट तक सेफली ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऊपर देख, मणि को क्यों मारा? उसे मारने के लिए किसने पैसे दिए? बता, माणी को मारने के लिए किसने कहा? बोल, किसके कहने पर ये सब किया? बोल जल्दी। चित्रवेल ने कहा था। मणि बहुत खुशी चाहता है, उसकी बहन से शादी कर लिया तो मेरी दौलत को लेकर चला जाएगा। भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं? कहीं और बैठना था ना। अरे छोड़ो ना, ये सब क्यों सोच रहे हो? बैठ जाओ, ये लो पियो। भाई वो बात क्या है कि वो दमना तो पहले ही नौकरी छोड़ के जा चुका है, अब ये उससे संबंध रखेगा तो परेशानी हमको होगी। वो सब जीजा जी को पता है। भाई सच बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। सारे गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे बहन की शादी भाई के साथ हो गई, लेकिन तुम जो है भाई के साथ बीवी की तरह घूमते रहते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने कानों से सुना है मैंने। अच्छा बोला। अरे जीजा साला की एक लिमिट होनी चाहिए। अरे ये क्या बीवी की तरह अपने जीजा के साथ घूमते रहते हो, ये भी कोई जिंदगी है? क्या करते हो यार तुम भी? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे जीजा जी के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, मैं उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ रहता हूँ। चित्रवेल का राइट हैंड बोले तो मणि है, चित्रवेल का चमचा बोले तो मणि है, चित्रवेल का लुंगी बांधने वाला कौन, वो भी मणि। हकीकत में मणि जो है भाई की दूसरी बीवी। हाँ हाँ मालूम है मालूम है। कुर्सी के लिए वो पार्टी अध्यक्ष को भी रास्ते से हटा सकता है। भाई सब अपना सोचते हैं, कोई किसी का नहीं सोचता, समझे? ए चुप कर, अगर ऐसा दिन आया तो मैं जीजा को ही खत्म कर दूंगा। मैं मंत्री बनूंगा, तुझे विधानसभा क्षेत्र चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। मेरी बेटी उसके लड़के को चाहती है, वो मुकाबले में आ जाएगा मेरे, और इसीलिए वो हमेशा बीच में आ जाता है। अब मुझे हर काम उससे पूछ कर करना पड़ेगा क्या? उस कमीने के डर से पॉल के पास दिया बंदूक उसे डराने के लिए, तो उसने उसे चला दिया। ए पुलिस तू जा यहाँ से, मैं एसपी से बात कर लूंगा। नो 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 नो, ये यू ये देखो ये देखो ये मिस हो गया। ये ए इसे देखो इसे देखो देखो जरा इसे। ग्रेट पॉइंट्स है पापा। अरे ये तो आपने देखा ही नहीं, इसे देखो इसे देखो, ये अच्छा है ना। गुड इवनिंग मेजर सर। हाय नागराज, ये देखो। हाय सर, मैं चित्रवेल को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। तुम चित्रवेल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो वैसी इंक्वायरी नहीं कर सकते। मेरे साथ आओ, क्योंकि उसकी परमिशन देने वाला तुम्हारा एसपी है। हाँ, चित्रवेल और उनका दोनों का आपस में क्लोज, वेरी क्लोज। दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं एसपी सर से बात करके देखूं क्या? हाँ गुड ट्राई। हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा दे करके जाना, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। ओके सर। ओके बाय।
बाय। क्या बात है एसपी, आज यहाँ कैसे? बस सर, आपसे मिलने चला आया। ठीक है, 5 मिनट बैठो, मैं नहा कर आता। ठीक है सर। हाँ, कम इन सर। आइए ना। एसपी सर हैं क्या? ऊपर पापा के रूम में हैं। ओके। ये बंदूक से मारेगा क्या? नमस्ते सर। सर, पवन ने बताया चित्रवेल की बंदूक से मणि को शूट करने के लिए कहा गया था। सब कह रहे हैं कि इस मामले से दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन आप परमिशन दे तो मैं उसे तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा। कैजुअली पूछेंगे तो वो कभी सही जवाब नहीं देगा। सर, सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। चित्रवेल ने ही अपने साले को मारने के लिए कहा था। उसे अरेस्ट करने की परमिशन लेने गया तो देखा कि एसपी साहब को किसी ने मार दिया है। घर में बुलाकर एसपी का मर्डर करे, चित्रवेल इतना बेवकूफ नहीं है। एसपी साहब का उसे पूरा सपोर्ट था, इसलिए मर्डर करने का कोई रीजन नहीं बनता। बिल्कुल सही सोच रहे हो। केस सभी भी तुम्हारे पास है क्या? ये केस दूसरी टीम को दिया गया है। आई फील वेरी बैड सर। डोंट फील बैड, बी हैप्पी। चुपचाप चित्रवेल को अरेस्ट करके उसका एक एक नाखून निकालूंगा, तब हकीकत बाहर आएगी सर। ऐसा लग रहा है इस सबके पीछे चित्रवेल का हाथ जरूर है। किस आधार पर अरेस्ट करोगे? एक आदमी ने स्टेटमेंट दी है कि चित्रवेल ने ही मारने को कहा था। जिंदा आदमी को शूट किया तो वो मर्डर होगा, मरे हुए आदमी को मारा तो आईपीसी कोड में कोई सेक्शन ही नहीं है। यू कांट अरेस्ट फॉर शूटिंग अ डेड बॉडी। तुमने फॉरेंसिक डॉक्टर से बातचीत की? नहीं सर। फिर से बातचीत करो। अगर अभी चित्रवेल को गिरफ्तार किया तो एफिडेविट बनाने वाला छोटा वकील भी उसे आसानी से छुड़ा लेगा। मुझे लगता है चित्रवेल ने यह खून नहीं किया। तो फिर ये किसने किया होगा सर? वो तो मालूम नहीं, लेकिन अगले निशाने का अनुमान लगा सकता हूँ मैं। कौन होगा सर? इफ माई गेस इज राइट तो अगला निशाना खुद चित्रवेल ही होना चाहिए। या? गोली चलने से पहले ही मणि मरा हुआ था क्या? Yes, correct. मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन किया है that death not caused by bullet. वो ऑलरेडी मरा हुआ था, आई मीन कत्ल हुआ है। उसका कत्ल होने के बाद ही किसी ने उसे शूट किया है। सर, कम विद मी। ओके, प्लीज सिट। अनीता, तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट मिला है क्या? सब उस घर में रहने वालों के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। इसके अलावा कोई क्लू मिला है क्या? एक बात बताओ, उसका मर्डर हुआ कैसे है? कत्ल गला दबाकर किया गया है। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, 10 आदमियों से ज्यादा हाथी के जैसे किसी ताकतवर आदमी ने उसे मसल दिया है, ऐसा जांच से पता चला है। 10 हाथी की ताकत वाला आदमी? यस। ओके, थैंक्स। ओके। हाँ निशा, तुम कुछ बोलना चाहती थी ना? वो क्या है कि थोड़ा पर्सनल है, अलग से बात करनी थी। अलग से बात करनी थी? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, बोलो ना। वो ऐसा है कि वो क्या है कि मुझे आप बहुत पसंद है।
तुझे अरेस्ट करके यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं, तू जा। सर, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। मेरे भाई ने खुदकुशी की थी सर। उसकी बीवी के साथ रेप हुआ था सर। किसने किया? मणि सर, जंगल वाले बंगले में कितनी सारी लड़कियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया था, और उस बंगले की देखभाल मेरा भाई खुद करता था सर। उन हैवानों ने मेरी भाभी के साथ बलात्कार किया, इसलिए मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया सर। सर मैं आता हूं। सर सुनो, कल के बंदोबस्त में चले जाओ। सर ये केस सॉल्व होने के स्टेज पे है। सुनो, कातिल को ढूंढने थोड़े ही जाना है, सिर्फ देखने जाना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, जाओ। ये यस, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ओ ये ले। क्या बात है, तुम चुप क्यों? हाँ, मेरे पापा को तुम पसंद क्यों नहीं आए? अच्छा, तो ये बात है, हम दोनों ना अच्छे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड? हाँ, अच्छे फ्रेंड। वो कैसे? वो ऐसे कि हम। तुम मुझे फ्रेंड कह रहे हो, फिर मैं पापा को ये कैसे बताऊंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? वो सब हम बाद में सोचेंगे। हे, सुनो तो। इसे निकाल। निकाल। नहीं निकल रहा सर। थोड़ी और ताकत लगाना, निकल जाएगा। नहीं निकल रहा सर। जोर लगा, जोर से खींच। बहुत मजबूत है सर। नहीं, अरे खींच ना। नहीं निकलेगा सर, इसको निकालने के लिए हाथी चाहिए। नहीं निकल रहा। हाथी चाहिए, समझा। बहुत स्ट्रांग है सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैडम, सर कहाँ पर हैं? हाँ सर, तो गार्डन में पानी डालने गए हैं। ओके, मैं जाकर मिल लेता हूँ।
मैडम क्या हुआ मुमताज? क्या बात हो गई? आपने इतना अर्जेंट मुझे यहाँ बुलाया? केस के बारे में उन्हें कोई डाउट था इसलिए उन्होंने यहाँ आने के लिए बुलाया। आ गए। हेलो अनीता। हेलो सर। अनीता मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। सर इस केस में जितने भी सारे कत्ल हुए हैं उसमें पहला गला दबाकर और दूसरा कत्ल दीवार से लड़ा लड़ा कर स्कल के सारे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यस। और तीसरा कत्ल एक तलवार से वार करके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। और ये सब कुछ एक ही घर में हुआ है। और खास बात ये है कि घर वालों ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। वेरी इंटरेस्टिंग। ना ही कोई प्रूफ और ना ही कोई निशानी। अजीब बात है, पर एक बात है सर, अकेला आदमी ऐसा कत्ल नहीं कर सकता। हाँ, पर 10 आदमी मिलकर ऐसे कत्ल कर सकते हैं। सीधे सीधे कहे तो ऐसे कत्ल करने के लिए 10 हाथी की ताकत वाला ही चाहिए। 10 हाथी की ताकत वाला? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर क्या मैं आपको एक नया क्लू दूं? नया क्लू? वो क्या है? हाँ सर, इन सभी मर्डर्स में एक ही निशानी का होना कॉमन है। आई मीन एक ही आदमी का हाथ है। एक ही आदमी? सर स्टूपिड फेलो है ना सर? आई नो, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है सर। ओके, आई विल मीट यू। थैंक यू सर। बाय। ओके। ये लो, इसे वहां रख दो। ओके निशा। हाय निशा। हाय सर, आइए ना सर। कैसे हैं आप? फाइन। चंदू पापा कहाँ हैं? पापा पापा मंदिर गए हैं। ओ। पापा घर पे नहीं है इसलिए आप मुझसे मिलने आए हैं ना? मुझे सब पता है, आप मुझे देखे बिना नहीं रह सकते। निशा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बट ड्यूटी कम फर्स्ट। इस वक्त केस के सिलसिले में सिर्फ तुम्हारे पापा से मिलने आया। पापा नहीं, ससुर जी कहिए। कल हम लोग राजा का महल देखने जाएंगे। okay. ना प्लीज जरूर प्लीज, प्लीज। अब तो खुश हो? सुनो सर। नमस्ते सर। तू चित्रवेल के लिए काम करता है ना? हाँ सर। उसका जंगल में एक बंगला है, वो बंगला कहाँ है तुझे पता है? मुझे पता नहीं सर। हेलो सर, कहाँ हैं आप? नागराज में, मंदिर में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आकर मिलता हूँ। ओके।
हाय। आओ नागराज। हाय। हेलो सर। करो ले। ये विभूति ही इस नाग देवता मंदिर का प्रसाद है। ओ। नागराज के इस मंदिर में इस पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए अच्छा। आते हैं। विश्वविख्यात है ये मंदिर। यहाँ जो पांच सर वाले नाग देवता है वहाँ पर हमेशा दिया जलता रहता है। यहाँ का तिलक लगाने और धागा बांधने से भूत पिशाच प्रेत कुछ भी पास नहीं आता। क्या कहा सर आपने, फिर से बोलिए। अरे भाई मैंने कहा कि भूत प्रेत पिशाच कुछ भी पास नहीं आते। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ नागराज, कोई जरूरी बात करनी थी ऐसा बोला था तुमने। नहीं सर, बाद में बात करूंगा। अच्छा बाय। पापा वो जा रहे हैं। नागराज मुझे एक बात करनी है। हाँ बोलिए सर। हाँ, एक दिन तुम अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ, अपनी बेटी को। हाँ। उन लोगों से मैं एक बार मिलवाना चाहता हूँ बेटा। जरूर लाऊंगा। थैंक यू बेटा, चलता हूँ सर। चलो नमस्ते सर। चित्रवेल को जानते हो क्या? चित्रवेल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर, पहले मैं उसके साथ ही काम करता था। फिर से पूछताछ के लिए बुलाऊंगा। हाँ, तो आना होगा। हाँ अभी जा। ठीक है सर। जा। कत्ल गला दबाकर किया गया है। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, दस आदमियों से ज्यादा हाथी के जैसे किसी ताकतवर आदमी ने उसे मसल दिया है, ऐसा जांच से पता चला है। नहीं निकलेगा सर, इसको निकालने के लिए हाथी चाहिए। उसमें पहला गला दबाकर और दूसरा कत्ल दीवार से लड़ा लड़ा कर स्कल के सारे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और तीसरा कत्ल एक तलवार से वार करके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। इन सभी मर्डर्स में एक ही निशानी का होना कॉमन है, आई मीन एक ही आदमी का हाथ है। अपनी मालकिन के बारे में क्या जानता है? कौन सर? देवकी के बारे में। देवकी का क्या सर, वो तो महारानी है। वो क्या है ना सर, हमारे घर में तीन हादसे हुए हैं ना, इसलिए वो थोड़ी टूट गई है। उसकी लाइफ में अगर कौशिक आ जाएगा तो वो बहुत बहुत खुश हो जाएगी सर। बस इतना ही? दूसरा, हाँ जब वो पागलों की तरह हरकत करती है। हरकतें? कैसी हरकतें? मतलब हाथी जैसे पागल होता है वैसे ही हरकत करती है सर। हाथी जैसी क्या मतलब है? किसी राजकुमार को ढूंढ रही हो क्या? जाओ अंदर देख लो। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन जो ब्लैक कलर का शर्ट पहन के आया था वो कौशिक है, तुम जानती हो? एक आइडिया है, उसको बुलाने के लिए हम किसी को टपका दे क्या? के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अरे बॉल,
मर्डर्स में एक ही निशाने का होना कॉमन है। एक ही आदमी का हाथ है। क्या हुआ? देवकी, उम्र 18। वो घर की छोटी बेटी लगती है। देवकी घर में सबकी लाडली है और घर में सिर्फ उसी की चलती है सर। पर एक बात समझ में नहीं आती सर, इतनी छोटी बच्ची ऐसे मर्डर क्यों करेगी सर? क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? अब तुम कुछ बोलोगी भी? ए, मैं तुझे मार डालूं क्या? तुझसे प्यार करके तुझे खत्म कर दूं? लव, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। पर मैं तुझसे प्यार करके तुझे तड़पा तड़पा के मारने वाली हूँ। वाओ, दोनों साथ में मरेंगे। आई लव यू देवकी। इस लड़की को पहचानता है? इस लड़की को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस लड़की के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन इस लड़की के बाप ने कंप्लेन कर दी। तो क्या हुआ, चित्रवेल अंकल आखिर उस केस से बाहर निकल गए ना? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बोल, क्या चाहिए आपको सर? सच। उस केस में आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं सर? जल्दी बोल, मुझे सच्चाई जाननी है। वो लड़की आपकी सगे वाली थी क्या सर? हे! रुको, बता दूँ, कूल डाउन। मुझे अगर कोई लड़की मिले तो मैं जाल बिछाता हूँ। पहले तो मैं उसके साथ प्यार का छूटा खेल खेलता हूँ, फिर उसके बाद फिर उस लड़की को मैं चित्रवेल अंकल के पास छोड़ देता हूँ। वो तीसरी थी, चित्रवेल अंकल को छोटी लड़कियाँ बहुत पसंद थी। उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम तो मैं भूल गया हूँ। उसको अंकल के बंगले में छोड़कर मैं आ गया और मुझे किसी ने देखा भी नहीं। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। पर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो जरूर इंसाफ करेगा।
देवकी, झिली, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कौशिक, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, बस तुम्हारा जो फैसला हो मुझे बता देना। मुझे एक दिन का टाइम दो। ओके, बाय। जीजा जी, आखिर हम जीत गए ना। पड़ी अलंधन को हम लोगों ने लटका दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब सारी की सारी पावर अपनी मुट्ठी में है। मणि जी, आपके जो दिल में आए वो कीजिए, लेकिन सुख दुख में मुझे याद रखिएगा। कानून का साथ और साले का हाथ जब तक मेरे पास है, हर जगह अपना ही झंडा लहराएगा। मुझे छोड़ दिया ना। है फूलों के बाग में सड़ा फूल भी खुशबू फैलाता है। अच्छा सुनो मारी, किचन में जाओ, चिकन की खुशबू आ रही है, उसे लेकर आओ। जाओ। ठीक है जी। क्यों रे कौशिक, पिएगा क्या? नहीं अंकल, मुझे नहीं पीनी। कौशिक बिल्कुल फिकर मत कर, जीजा जी हैं, एसपी साहब हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग हैं, शादी धूमधाम से करेंगे। ए, लड़की अकेली है, जाकर उसे जरा खाना खिला दे। ओके अंकल, जा। मैं जाकर आता हूँ। ओके। आपको बुला है। ए मारी, चिकन जल्दी ला। क्या बात है, खा के मजा आएगा। मारी कहाँ है? वो अंदर है। आओ। क्या हुआ, तू क्यों आई? मारी कहाँ है, उसे आने को कह। ऑमलेट बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कौशिक? क्या तुम भी एक ही बात बार बार बोल रही हो? वो बात नहीं है कौशिक, मैं जो बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये लोग यहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं और चलते है ना। प्लीज कौशिक समझो ना। तुम बेकार में डर रही हो, वो लोग वैसे नहीं है। और वैसे भी वो लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अंकल हैं। मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम एक काम करो, गौरी आंटी किचन में काम कर रही हैं, तुम जाकर उनकी हेल्प करो। कौशिक इधर आना। आया अंकल। इधर आ। बोलिए अंकल। सुनना, ये चिकन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम कर, पास के होटल से हम सब के लिए बिरयानी लेकर आ जा। ओके।
देसी मुर्गे की बिरयानी लाना। ठीक है अंकल। ये ले जा, जल्दी से लेकर आ जा। जा अभी लेके आता हूँ। आंटी क्या है बेटी? आप इनके साथ अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं है, आदत होने के बाद कुछ नहीं लगता। मैं भी तेरे जैसी ही थी। मुझे दीजिए आंटी, मैं दे आती हूँ। हाथ पकड़ो तो घूर रही है, चिपका लो तो। आंटी, अजी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मालिक के साथ विश्वासघात होगा। उस छोटी बच्ची की जिंदगी खराब करना गलत होगा। मेरे पास देखो, मेरे मालिक है, वो कुछ भी करे, तू अपना मुंह बंद रख। कहाँ चली गई, दिखती नहीं है। ए, वो भाग रही है, पकड़ो उसमें। ए, रुक जा, बहुत ज्यादा आ रही है। देखो तुम चले जाओ। ए, रुक। ए, कहाँ भाग रही है? नहीं, छोड़ो। कौशिक, तुम कहाँ चले गए थे? ये लोग बहुत बुरे लोग हैं कौशिक, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। डरो मत। कहाँ चले गए थे तुम? कौशिक, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। एडजस्ट कर लूँ ना? क्या कहा? एडजस्ट कर लूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे एडजस्ट करने के लिए कह रहे हो? इतनी हिम्मत? तू जा यहाँ से। आजा। बढ़िया। बाय, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपका काम। हाँ, तू चिंता मत कर, जा यहाँ से। हाँ ठीक है भाई, आ जा। क्या हुआ एसपी, दिल खुश हो गया ना? क्या जीजा जी यहाँ बैठे हो? उधर टीवी में फ्लैश न्यूज चल रही है,
अभी आप मंत्री बन गए हैं, बाहर मालूम चला तो हंगामा हो जाएगा। एसपी साहब आपको भी परेशानी होगी। भाग रही है, भाग रही है, रुक जा। अरे रुक। क्या हुआ? अरे नीच, तेरे मालिक का तेरे ऊपर कितना विश्वास था। एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद मत कर मैंने कहा था, लेकिन तूने सुना नहीं। उन लोगों ने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू यही देखने आया है क्या? अरे जा, जाकर कहीं डूब जा, मर जा, तू कहीं जाकर खुदकुशी कर ले। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने कहा था, लेकिन तूने सुना नहीं। जा जा, जाकर कहीं मर जा तू। हे भगवान। मारने उसे। तुम बदला लेने आई हो? तुम्हें गला दबा कर मारा, उस मणि से भी तुमने वैसे ही बदला लिया। चलो अच्छा, तो भाई मैं आता हूँ। एसपी को भी वैसे ही मारा जैसे उसने तुम्हें मारा था। इतनी जल्दी नहा लिया तुमने? हाँ बेटी, तुम कैसी हो? क्या हुआ बेटी? चित्रवेल ने तुम्हें तलवार से मारा था, तुमने भी उससे वैसे ही बदला लिया। Thank you.
क्या बात है बेटी, कुछ चाहिए क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? कोई परेशानी है क्या? क्या हुआ बेटी? देवकी? देवकी, ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं 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 बेटी, नहीं, क्या कर रही हो ये? नहीं, रुक जाओ, नहीं नहीं देवकी, नहीं। कौशिक ही तुम्हें फंसा कर ले आया था, उसने नागराज ताबीज पहनी है इसलिए वो बचा हुआ है। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है, तुमने जो किया सही किया, लेकिन इसमें इस छोटी बच्ची देवकी का क्या कसूर? जहां तक मेरा सवाल है, मुझे सौंपा हुआ एक केस सॉल्व हो गया है, सच जानना ही बहुत है। मैं ये केस कभी प्रूव नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मेरे पापा इतने बुरे आदमी थे, झिली देवकी, 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 कहाँ हो तुम? देवकी, 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 कहाँ हो तुम? देवकी, 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 क्या हुआ? यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या हुआ? बात क्या है? उस पुलिस वाले ने कुछ बोला क्या? ए, उस पुलिस वाले की बात सुनकर आप तो मुझ पर शक कर रही हो, मुझ पर शक कर रही हो। तुम्हें भरोसा नहीं है ना? मैं समंदर में डूब जाता हूँ, डूब जाऊँ ना, यही चाहती हो? ठीक है। सिर्फ तुम पर भरोसा किया।
किसी दुश्मन को मारने के लिए आत्मा की जरूरत नहीं होती, एक लड़की भी ये काम कर सकती है। सब तुम पर भरोसा किया कौशिक। तुमने जो किया सही किया, लेकिन इसमें इस छोटी बच्ची देव की का क्या कसूर है?